इकलौता वो नाम जो सलमान खान को उनके फैंस ने प्यार से दिया, वो नाम भी सलमान के लिए ओरिजिनल नहीं है बल्कि फर्स्ट कॉपी है। जी हाँ, सलमान खान जिन्हें इंडस्ट्री का भाईजान कहा जाता है, सलमान का नाम जहां इस्तेमाल नहीं होता वहां सिर्फ भाईजान कह दो तो लोग समझ जाते हैं कि सलमान की ही बात हो रही है। ये वाला भाईजान नाम जो सलमान के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है ये ओरिजिनल नहीं है, ये फर्स्ट कॉपी है, क्योंकि सलमान से पहले इंडस्ट्री में एक दूसरे सुपरस्टार थे जो असली भाईजान थे और जिन्होंने ऐसे काम इंडस्ट्री में किए कि लोगों ने उन्हें भाईजान का नाम दिया। शायद सलमान ने अब तक वैसा काम नहीं किया होगा लेकिन कुछ कुछ वैसा काम किया, इसीलिए सलमान को भी भाईजान कहते हैं। तो आज के इस एपिसोड में इंडस्ट्री के ओरिजिनल भाईजान के बारे में बात करेंगे। ये वो शख्स हैं जिन्होंने इंडस्ट्री को दिया हमारा एंग्री यंग मैन यानी कि अमिताभ बच्चन। सुपरस्टार राजेश खन्ना जब कुछ नहीं थे तब इन्होंने राजेश खन्ना साहब की मदद की। इंडस्ट्री में कई एक्टर्स हैं, कई टेक्नीशियंस हैं और फिल्म से जुड़े कई लोग हैं जिनके घर इनकी वजह से चलते थे और खुद की इनकी फैमिली के 150 से ज्यादा मेंबर्स की जिम्मेदारी इनके कंधों पर थी जो इन्होंने लंबे समय तक निभाई और इसी के बाद इन्हें नाम दिया भाईजान। ये भाईजान है महमूद। महमूद के एक्टर बनने की कहानी भी बड़ी टचिंग है। महमूद से पहले उनके पिता मुमताज फिल्म इंडस्ट्री में आए थे। बतौर एक्टर वो चले नहीं और एक टाइम पर उनकी हालत भिखारियों जैसी हो गई, जिसके बाद घर की जिम्मेदारी महमूद पर आ गई। महमूद को तो बस काम करना था। इनिशियली उन्होंने जहां मीना कुमारी को टेबल टेनिस खेलने में मदद की, वहीं लंबे समय तक वो राजकुमार संतोषी के पिता पीएल संतोषी के ड्राइवर बनकर रहे और इस तरह से फिल्म इंडस्ट्री में उठना बैठना शुरू हुआ और धीरे धीरे उन्हें फिल्मों में चांस मिला। एक टाइम के बाद महमूद फिल्म इंडस्ट्री में टॉप के एक्टर बन गए और उस लेवल पर आ गए कि कई सारे नए चेहरे को वो कास्ट करते। यही वो टाइम था जब महमूद को उनके भाई ने अमिताभ बच्चन से मिलवाया था और तब महमूद ने फिल्म बॉम्बे टू गोवा में अमिताभ बच्चन को कास्ट किया। यही वो फिल्म थी जिसमें सलीम जावेद ने अमिताभ बच्चन का एक सीन देखकर उन्हें जंजीर और दीवार जैसी फिल्में दी। ना सिर्फ इन स्ट्रगलिंग एक्टर्स को महमूद ने काम दिया बल्कि लंबे समय तक अमिताभ बच्चन खुद महमूद के घर पर भी रहे थे जब उनके पास मुंबई में रेंट देने के पैसे नहीं थे। महमूद सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि जिस जगह पर वो रहते थे और जो उनके स्टाफ थे उनके बीच भी पॉपुलर थे। उन्होंने जितनी हो सकी सभी लोगों की मदद की। जब कभी वो फॉरेन टूर पर जाते तो अपने बिल्डिंग के वॉचमैन से लेकर लिफ्ट मैन तक सबके लिए वो गिफ्ट लेकर आते और उनके इसी कामों के कारण जो कोई उनसे मिलता उन्हें भाईजान कहता, क्योंकि वो हर शख्स की मदद एक बड़े भाई के रूप में ही करते थे। इस इंडस्ट्री में जो उनके साथ काम करने वाले लोग थे वो उनके लिए कलीग्स या कॉम्पिटिटर्स नहीं थे बल्कि भाई थे और भाई कहकर ही वो सबको आगे बढ़ाते थे और इसीलिए महमूद को नाम दिया गया भाईजान का। सलमान खान ने भी इसी तरह की अपनी इमेज बनाने की कोशिश की है। वो भी इंडस्ट्री में जो कोई भी उनके पास आता है उन्हें काम देते हैं। सोनाक्षी सिन्हा को उन्होंने लॉन्च किया है, मोहनीश बहल की बेटी को उन्होंने लॉन्च किया, जहीर इकबाल जो उनके फैमिली फ्रेंड के बेटे हैं उन्हें सलमान ने चांस दिया, आने वाले समय में शेरा के बेटे को चांस दे रहे हैं, कटरीना कैफ की बहन को चांस दे रहे हैं। खुद कटरीना कैफ इंडस्ट्री में बड़ा नाम सलमान खान के कारण बनी। सलमान के इन्हीं कर्मों के कारण सलमान को फिर भाईजान का नाम मिला, वरना इंडस्ट्री के जो ओरिजिनल भाईजान है वो महमूद ही है। सलमान के लिए जो भाईजान नाम यूज किया जा रहा है वो भाईजान का फर्स्ट कॉपी है।